सवाल उठाए हैं वो काफ़ी अहम हैं और इनका जवाब मैं धनंजय गिरिजी से लूंगी, लेकिन एक बार सीबीआई मुख्यालय से अपडेट ले लेती हूं क्योंकि आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। दीपक, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने घर से निकल चुके हैं और कुछ ही समय के बाद जो कोर्ट ने उन्हें समय दिया था कि 10:30 बजे आपको सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना है, तो 10:30 बजे के करीब में तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहां पर अलग अलग लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीआरपी टुकड़ियों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। मीडिया को भी सीबीआई हेडक्वार्टर, जो सामने की तस्वीरें आप देख रही है, 100 मीटर की दूरी पर मीडिया को दूर रखा गया है। कुछ जो कार्यकर्ता थे आरजेडी के वो पहुंचे हुए थे यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते ही बाहर की तरफ कर दिया क्योंकि यहाँ पर पुलिस को शंका यह है कि कहीं यहाँ पर बड़ी तादाद में तेजस्वी यादव के जो समर्थक है वो ना पहुंचे और यहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर वाटर कैनन की भी गाड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर प्रोटेस्टर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि आज जो पूछताछ होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण है लैंड फॉर जॉब मामले में। और ऐसे में हालांकि सीबीआई ने यह साफ कहा था कोर्ट में जब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था तेजस्वी यादव ने, गिरफ्तारी आज इस पूरे मामले में तो नहीं होगी, लेकिन पूछताछ लंबी चलने वाली है। सवालों की फहरिस्त सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले में भूमिका तेजस्वी यादव की रही है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई ने जो चार्जशीट अक्टूबर 2022 में दाखिल की थी उसमें 15 आरोपी बनाए गए थे, मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो। हालांकि इस पूरी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर अभी भी FIR में कहीं भी तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में फायदे पहुँचाए गए तो AK इन्फोसिस सिस्टम जो एक कंपनी है उसमें क्या कुछ भूमिका तेजस्वी यादव उनके बार की है, किस तरह से नौकरी के बदले जो जमीन के बदले जो नौकरी दी गई उसमें किस तरह से जो पैसे आए, पैसे का हेरफेर किस तरह से हुआ, गुड़गांव की जो मॉल बन रहा था उसमें भी जो पैसे लगाए गए तेजस्वी यादव और उनके दो सहयोगियों के द्वारा, उसको लेकर जांच की जानी है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, शुरुआती जो जाँच हुई थी उसमें 7 ऐसे विक्टिम सामने आए हुए थे ED और CBI के सामने, लेकिन जब जाँच आगे बढ़ी तो इसमें 700 से ज़्यादा विक्टिम सामने आए जिन्होंने ये ED और CBI को किस तरह से नौकरी के बदले उनसे जमीन कौड़ियों के दाम ली गई थी। उसी मामले में आखिर क्या कुछ फायदा तेजस्वी यादव को मिला है, उनकी कंपनी को मिला है, और पैसे का गबन किस तरह से हेर फेर किया गया है, उसी को लेकर ये पूरी आज पूछताछ होनी है। अब देखना होगा कि ये पूछताछ आखिर कितनी लंबी चलने वाली है। जी।